नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ एक ही वर्मा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब दिल्ली NCR में धीमी बारिश के चलते दिल्ली और NCR का जो प्रदूषण स्तर था वो कम हो गया था, लेकिन जो बारिश सोमवार और मंगलवार को धीमी धीमी हुई थी जिसके चलते 2 से 3 दिन तक प्रदूषण स्तर कम रहा था, लेकिन जैसे ही ये दिन बीते हैं, जैसे ही बारिश पूरे तरीके से खत्म हुई है, दिल्ली NCR का प्रदूषण स्तर वापस से बढ़ने लगा है। यहाँ पर दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे मुंडगा हो, वजीरपुर हो, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर AQI 400 के पार बताया जा रहा है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले अक्टूबर महीने से नवंबर और अब दिसंबर भी शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। मात्र 2 दिन के ठंडक के बाद वापस से प्रदूषण का हाल वही है और लोगों को सांस लेने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर बीते कुछ दिन पहले तक जो प्रदूषण स्तर 300 के कम पहुँच चुका था, लेकिन वो वापस से 400 के तकरीबन पहुँचता जा रहा है और दिल्ली का औसतन जो प्रदूषण स्तर जो मापा जा रहा है वो तकरीबन 398 के नज़दीक है। यानी कि अभी पिछले कई महीनों से दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो कुछ इसी प्रकार से अटका हुआ है। सबसे बड़े जो कारण मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूँ, क्योंकि दिल्ली के समीप कुछ इस प्रकार के रास्ते बने हुए हैं जहाँ पर सड़कों के किनारे इतनी ज़्यादा मिट्टी होने के चलते यहाँ पर जो प्रदूषण है वो और तेज़ी से बढ़ता है। हवा में इसी तरह से मिट्टी के जो कण है वो मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर कई जो काम थे, ग्रैब के जो नियम चल रहे थे उसके चलते कई कामों को बंद भी किया गया था, लेकिन जब प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ तो उसके बाद जो सामान्य चीज़ें हैं वो शुरू कर दी गई थी, ग्रैब के नियमों को हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस से इस पर चिंता लगाई जा रही है कि हो सकता है अब वापस से जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर उन चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है, वापस से ग्रैब के जो नियम हैं वो लगाए जा सकते हैं। मैं ऊपर जरा ऊपर की तरफ दिखा दीजिए, यहाँ पर जो हाल बना हुआ है आप देख सकते हैं, अभी समय इतना नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर सूरज नहीं निकला हुआ है, यहाँ पर अभी भी धुंध जो छाई हुई है क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण की वजह से हाल ज़्यादा ख़राब है। हालांकि अब देखना होगा कि कितने समय पर यह हाल ठीक हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि कुछ दिन में ही बारिश पड़ सकती है जिसके बाद हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा ये बारिश कब तक हो सकती है। कैमरामैन सौरभ के साथ में एक बार N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।